तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सीरेज लैम्प यानी कि सीरेज बोर्ड बनाना सिखाऊंगा वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों जो सीरेज लैंप होता है वो हर एक इलेक्ट्रीशियन का पहला औजार होता है आपने भी देखा होगा कि जब हमारे घर का कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि सीलिंग फैन या कूलर का मोटर या मान लेते हैं हमारे बोर का वाटर पंप जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इन्हें हम जब रिपेयर करवाने ले जाते हैं तो सबसे पहले रिपेयर करने वाला सीरेज लैंप से ही इन्हें चेक करता है और जो हमारी मोटर है या वाटर पंप है उन्हें बगैर खोले ही बता देता है कि वह जला है या नहीं जला है तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप भी सीरीज लैंप को बना लेते हैं तो आप घर पर बहुत सी प्रोडक्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं सिर्फ आपको इसे चलाना आना चाहिए और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको चार अलग अलग तरीके के सीरीज बोर्ड बनाना सिखाऊंगा जिसमें दोस्तों जो चौथे नंबर का सीरीज बोर्ड है उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हुए हैं जिससे कि दोस्तों अगर आप इस तरह से जो न्यूट्रल फेस रहता है उसे डायरेक्ट मोड में भी इस तरह से टच कर देते हैं तो आपके घर की या जो रूम की एम है वो ट्रप नहीं करेगी ना ही कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा इसलिए आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहे तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सबसे सरल वाला सीरीज लैंप बता रहा हूँ जिसे आप आसानी से बना सकते हैं और आसानी से कहीं भी इसे ले जा सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बल्ब है और एक होल्डर है उसके साथ में वायर लगी हुई है जैसा कि दोस्तों सिंपल सी बल्ब का कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो ये दो वायर है इसमें से जब हम एक वायर काट देंगे तो ये सीरीज लैंप बन जाएगा मैं आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ यहाँ पर ए इनपुट दो वोल्ट और जो ए इनपुट के दो वायर रहेंगे एक वायर को हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो बल्ब होल्डर का दूसरा टर्मिनल है यहाँ पर हम ए इनपुट का बचा हुआ वायर जोड़ देंगे ठीक है तो इस तरीके से सिंपल सा बल्ब का कनेक्शन हो जाता है अब दोस्तों अगर हमें इस बल्ब को ऑन ऑफ करना पड़ा तो हम क्या करते हैं कि जो ये दो वायर हैं इनमें से कोई भी एक वायर को काट करके उसके बीच में स्विच को सीरीज क्रम में लगा देते हैं तो इसी तरीके से दोस्तों जब ऐसे हमें सीरीज लैंप बनाना पड़ता है तो इन दोनों वायरों में से हम कोई भी एक वायर को काट देंगे और जो दो छोर बचेंगे उनसे हम कोई भी प्रोडक्ट आसानी से चेक कर सकते हैं यानी कि दोस्तों इस तरीके से आप इसे सीरीज लैंप बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों जो ये दो वायर हैं इसमें से आप कोई भी एक वायर को काट सकते हैं ठीक है तो मेरे इस बायर को काट लेता हूं तो दोस्तों हमारा ये सीरेज लैंप बन चुका है मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही मैं इन दोनों वायरों को टच कर रहा हूँ ये बल्ब ऑन हो रहा है तो दोस्तों आप इन दोनों वायर जो ये सीरीज लैंप है इसके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं और दोस्तों जो इस टाइप का जो सीरीज लैंप है ये ज़्यादातर आपने इलेक्ट्रिसियनों के हाथों में देखा होगा जब उन्हें कहीं पर प्रोडक्ट चेक करने को जाना पड़ता है तो इसी टाइप के सीरीज लैंप का वो उपयोग करते हैं क्योंकि दोस्तों बनाने में सिंपल है और इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है मैं भी दोस्तों जब मुझे खेत पर कोई वाटर पंप चेक करना पड़ता है तो इसी टाइप के सीरीज लैंप का मैं उपयोग करता हूँ तो दोस्तों ये पहले नंबर का सीरीज था जिसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नंबर की सीरीज लैंप की तो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं ठीक है तो यहाँ पर एसी इनपुट 230 वोल्ट और जो एसी इनपुट के दो वायर रहेंगे एक वायर को हम बल्ब होल्डर के टर्मिनल से जोड़ देंगे और जो बल्ब होल्डर का बचा हुआ टर्मिनल है हम यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके उसके दूसरे छोर को फाइव पेन सॉकेट के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसके बाद में जो फाइव पेन सॉकेट का बचा हुआ टर्मिनल है, है यहाँ पर हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके उसका जो दूसरा छोर है उसे हम स्वच के टर्मिनल से जोड़ देंगे और जो स्वच्छ का बचा हुआ टर्मिनल है हम यहाँ पर जो ए इनपुट का बचा हुआ वायर है उसे जोड़ देंगे ठीक है तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों दो सौ इनपुट और यहां पर बल्ब और यहां पर ये पिन सॉकेट और यहां पर ये ये स्विच ठीक है तो तो हमने ये पहले तो दोस्तों जो हमने ये पहले नंबर का सीरीज बोर्ड बनाया था सेम उसी तरीके से काम करने वाला है अंतर सर पर इतना रहेगा कि इसे हम बोर्ड में फिक्स करके बनाएंगे ठीक है तो जान लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है तो इसे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए एक थ्री वे बोर्ड इस तरह का ठीक है इसकी जगह पर आप दोस्तों प्लाई वाली बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद में हमें चाहिए एक बल्ब और इसके बाद में हमें चाहिए एक पावर केबल एक फाइव पिन सॉकेट और एक स्वच्छ और इस तरीके का एक बल्ब होल्डर ठीक है और इसकी वायरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एम एम की कुछ इस तरह के बायर के टुकड़े लिए हैं ठीक है थीके? तो करते हैं दोस्तों इसकी जल्दी सी वायरिंग तो पहले मैं इन सभी को इसके साथ में इस लेता हूँ तो मैंने इन सभी को कस लिया है अब दोस्तों हम करते हैं इसकी वायरिंग तो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम में दिखा देता हूं यहाँ पर दोस्तों जो एशियन इनपुट के दो वायर रहेंगे एक वायर को हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे तो यहां पर दोस्तों जो पावर केबल है उसके माप के हिसाब से मैंने बोर्ड में एक छोटा सा छेद किया है इसके अंदर हम इस केबल को डाल करके अंदर से एक गांठ लगा देंगे ठीक है और जो पावर केबल के दो वायर रहते हैं एक वायर को हम बल्ब होल्डर के टर्मिनल से जोड़ देंगे इस तरह से ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों हमें एक वायर का टुकड़ा चाहिए जिसे हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से जो बचा हुआ टर्मिनल है वहां पर जोड़ेंगे और जो उसका दूसरा छोर है उसे फाइव पेन सॉकेट के टर्मिनल से जोड़ देंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने रेड कलर का वायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम बल्ब होल्डर के बचे हुए टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम फाइव पेन सॉकेट के इन दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों हमें एक और वायर का टुकड़ा चाहिए जिसे हम फाइव पेन सॉकेट की बचे हुई टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे और उसका जो दूसरा छोर है उसे हम स्वच्छ के एक पेन पर जोड़ देंगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक ब्लू कलर का छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम यहाँ पर फाइव पेंट सॉकेट की बची हुई टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम सोच के जो नीचे वाला टर्मिनल है आप दोस्तों कोई भी टर्मिनल पर जोड़ सकते हैं ठीक है तो मैं इस नीचे वाले टर्मिनल पर जोड़ देता हूँ अब इसके बाद में जो सोच का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ पर हम ए इनपुट का जो बचा हुआ वायर था उसे जोड़ देंगे ठीक है तो दोस्तों इस बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने ये सोच लगाया है जब हम इसे ऑन मोड पर रखेंगे तो ये सीरीज मोड़ में इस तरह से काम करेगा और जब इसे हम ऑफ रखेंगे तो यहाँ पर ये यह बाईपास हो जाएगा यानी कि ये काम नहीं करेगा ठीक है ऑफ रहेगा तो दोस्तों ये हमारे दूसरे नंबर का सीरीज लैंप था अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर की सीरीज लैंप की ठीक है तो पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ दोस्तों जो हमारा तीसरे नंबर का सीरीज लैम्प रहेगा उसमें जो ये सोच है जब हम इसे ऑन मोड पर रखेंगे तो ये बल्ब कंटिन्यू जलता रहेगा और जब हम इसे ऑफ मोड में ऊपर के साइड में रखेंगे तो ये सीरीज मोड में हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों मैं आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ तो ए सी इनपुट के जो दो वायर रहेंगे एक वायर को हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो बल्ब होल्डर का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ से हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके उसका जो दूसरा छोर है उसे हम सोच के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में हमें एक वायर का टुकड़ा और चाहिए जिसे हम सोच के बचे हुए टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे और जो उसका दूसरा छोर है उसे हम फाइव पिन सॉकेट के इस टर्मिनल के साथ में इस तरह से जोड़ देंगे ठीक है और यहीं पर हम एसी इनपुट का जो बचा हुआ वायर है उसे जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में हमें एक वायर का टुकड़ा और चाहिए जिसे हम फाइव पेन सॉकेट के बची हुई टर्मिनल के साथ में यहां पर जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम सोच के इस टर्मिनल से जोड़ेंगे जहां पर हमने बल्ब होल्डर के टर्मिनल के लिए एक वायर जोड़ रखा है ठीक है इस तरह से तो दोस्तों ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है अब दोस्तों हम करते हैं बोर्ड की वायरिंग तो पहले दोस्तों मैं इस बोर्ड में से इन वायरों को हटा लेता हूँ तो दोस्तों मैंने बोर्ड में ऐसे सभी वायरों को हटा लिया है अब दोस्तों हम करते हैं इसकी बायरिंग तो सबसे पहले दोस्तों जो एसी इनपुट के दो बायर रहते हैं एक बायर को हम बल्ब होल्डर के टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे अब इसके बाद में दोस्तों हमें एक वायर का टुकड़ा चाहिए जिसका एक छोर हम जोड़ देंगे बल्ब होल्डर के बची हुई टर्मिनल के साथ में और उसका जो दूसरा छोर है उसे हम सोच के टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक छोटा सा रेड कलर का वायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम यहाँ पर बल्ब होल्डर के बचे हुई टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम सोच के कोई भी एक टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे ठीक है तो मैं इस ऊपर वाले टर्मिनल पर जोड़ देता हूँ इस तरह से अब इसके बाद में हमें एक बायर का टुकड़ा और चाहिए जिसे हम सोच के बचे हुए टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोरे से हम फाइव पेन सॉकेट के दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का ही बायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम यहाँ पर सोच की नीचे वाली पेन पर जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा है इसे हम फाइव पेन सॉकेट के इस टर्मिनल पर जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में जो ए सी इनपुट का बचा हुआ वायर है इसे हम फाइव पिन सॉकेट की उसी टर्मिनल पर जोड़ेंगे जहाँ पर हमने छोटा सा बायर का टुकड़ा पहले से जोड़ रखा है ठीक है तो दोस्तों इस बायर के टुकड़े को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं या यहाँ पर जोड़ सकते हैं ठीक है थीके? बात एक ही है कि उनके बीच में हमने एक वायर का टुकड़ा जोड़ रखा है तो मैं यहाँ पर इसे जोड़ देता हूँ अब इसके बाद में जो फाइव पेन सॉकेट का बचा हुआ टर्मिनल है यहां से हम एक बायर का टुकड़ा जोड़ करके सोच के ऊपर वाली पेन पर जोड़ेंगे जहां पर हमने बल्ब होल्डर के लिए एक बायर का टुकड़ा पहले से जोड़ रखा है ठीक है तो दोस्तों मैंने ये छोटा सा ब्लू कलर का बायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम यहाँ पर फाइव पेन सॉकेट की बची हुई टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम सोच के ऊपर वाले टर्मिनल पर जोड़ेंगे जहाँ पर हमने बल्ब होल्डर के लिए एक पहले से बायर जोड़ रखा है ठीक है इस तरह से तो दोस्तों जो इसकी वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है अब दोस्तों हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग तो दोस्तों जब हम इस स्विच को नीचे की साइड में ऑन मोड में रखेंगे तो ये बल्ब कंटिन्यू जलता रहेगा और जब हम इस स्विच को ऊपर की साइड में ऑफ मोड़ में रखेंगे तो ये सीरीज मोड में हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से जब हम इन वायरों को टच करेंगे तो ये सीरीज मोड में है ठीक है और जब हम इस स्विच को नीचे की साइड में रखेंगे तो ये बल्ब ऑन रहेगा और इन वायरों को जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि जो फाइव पिन सॉकेट है वो बाईपास हो जाता है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सीरीज बोर्ड को आसानी से घर पर बना सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे नंबर की सीरीज बोर्ड की तो पहले मैं इन सभी बायरों को हटा लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैंने बायरों को हटा लिया है तो पहले मैं यहां पर आपको सर्किट डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले जो ए इनपुट के दो बायर रहेंगे एक बायर को हम टू टूबे स्विच के बीच वाली पिन के साथ में जोड़ेंगे अब दोस्तों जो हम सीरीज बोर्ड बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हम टू टूबे स्विच का उपयोग करेंगे और जो टू टूबे स्विच रहता है उसमें तीन टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो ए इनपुट के जो दो वायर रहते हैं एक बायर को हम वाले टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे और जो टूबे स्विच के बचे हुए दो टर्मिनल है कोई भी एक टर्मिनल के साथ में हम एक बायर का टुकड़ा जोड़ेंगे और उसका जो दूसरा छोरों से बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे ठीक है इसके बाद में जो बल्ब होल्डर का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ से हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके उसका जो दूसरा छोर है से हम फाइव पेन सॉकेट के दोनों टर्मिनल में से कोई भी एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे ठीक है और इसके बाद में जो फाइव पेन सॉकेट का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ पर हम ए सी इनपोट का जो बचा हुआ वायर था उसे जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में जो वे सोच का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ से हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके इसका जो दूसरा छोर है से हम बल्ब होल्डर के उस टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे जहाँ पर हमने फाइव पेन सॉकेट के लिए एक वायर पहले से जोड़ रखी है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों इसका ये सर्किट डायग्राम तो दोस्तों मैंने इस बोर्ड में से इस बन बे स्विच को हटा करके इसकी जगह पर टूबे स्विच को लगा दिया है अब दोस्तों हम करते हैं इसकी वायरिंग तो सबसे पहले दोस्तों ए सी इनपुट के जो दो वायर हैं उसमें से कोई भी एक वायर को हम टू बे स्विच के बीच वाली टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे अब इसके बाद में दोस्तों हमें एक बायर का टुकड़ा चाहिए जिसका एक छोर हम टूबे स्विच के जो बचे हुए दो टर्मिनल है उसमें से कोई भी एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे और जो उसका दूसरा छोर है उसे हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे तो दोस्तों मैंने छोटा सा रेड कलर का बायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम यहाँ पर टूबे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम बल्ब होल्डर के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों जो बल्ब होल्डर का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ से हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके उसका जो दूसरा छोर है इसे हम फाइव पेंट सॉकेट के कोई भी एक टर्मिनल के साथ में जोड़ देंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने ये रेड कलर का वायर का टुकड़ा लिया है जिसका एक छोर हम यहाँ पर बल्ब होल्डर के बची हुई टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम फाइव पेंट सॉकेट के इस टर्मिनल के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में दोस्तों जो फाइव पेन सॉकेट का बचा हुआ टर्मिनल है यहाँ पर हम एसी इनपुट का जो बचा हुआ बायर है उसे जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद में जो वे स्विच का बचा हुआ टर्मिनल है यहां पर हम एक बायर का टुकड़ा जोड़ करके उसका जो दूसरा छोर है उसे हम बल्ब होल्डर के इस टर्मिनल के साथ में यहां पर जोड़ेंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने ये ग्रीन कलर का वायर का टुकड़ा लिया है और इसका एक छोर हम टू बी स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे और जो इसका दूसरा छोर है इसे हम फाइव पिन सॉकेट के इस टर्मिनल पर यहाँ पर जोड़ देंगे ठीक है या दोस्तों आप यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं बल्ब होल्डर के इस टर्मिनल के साथ में क्योंकि इसके बीच में हमने ये रेड कलर का वायर का टुकड़ा जोड़ रखा है तो इन दोनों टर्मिनल में से आप कोई भी टर्मिनल पर जोड़ सकते हैं तो मैं यहाँ पर इस फाइव पिन सॉकेट के इस टर्मिनल पर जोड़ देता हूँ तो दोस्तों जो इसकी वायरिंग है वो कम्प्लीट हो गई है अब दोस्तों हम करते हैं इसकी टेस्टिंग तो दोस्तों जब हम इस स्विच को ऊपर की साइड में, तो में, में रखेंगे तो ये सीरीज मोड़ में काम करेगा और इस स्विच को नीचे की साइड में रखेंगे तो ये डायरेक्ट मोड़ में काम करेगा ठीक है तो दोस्तों अभी ये स्विच ऊपर की साइड में है तो ये सीरीज मोड़ में काम कर रहा है ठीक है और जब हम इस स्विच को नीचे की साइड में रखेंगे तो ये डायरेक्ट मोड़ में हो जाता है और दोस्तों जब डायरेक्ट मोड़ में रहेगा तो आपको गलती से भी इन वायर को आपस में टच नहीं करना है अगर दोस्तों इन्हें आप गलती से भी टच कर देते हैं तो आपके रूम की जो एम सी भी है वो ट्रप कर जाएगी या हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए ठीक है तो यहाँ पर मैं याददाश्त के लिए लिख देता हूँ ऊपर की साइड में सीरीज मोड़ है तो यहाँ में एस लिख देता हूं और नीचे की साइड में डायरेक्ट मोड़ तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ ठीक है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेना दोस्तों मैं इस तरह का ये सीरीज बोर्ड बहुत समय से उपयोग कर रहा हूँ इसलिए मुझे ध्यान रहता है लेकिन शुरुआत में मुझसे भी गलती हो जाती थी मैं डायरेक्ट मोड़ में इन वायरों को टच कर देता था तो एम ट्रिप कर जाती थी या कोई शॉर्ट प्रोडक्ट को मैं इस डायरेक्ट मोड़ में लगा देता था तब भी एम ट्रिप कर जाती थी तो मुझे मालूम है दोस्तों की शुरुआत में आपसे भी कुछ इस तरह की गलती होने वाली है तो दोस्तों आपके साथ में ये प्रॉब्लम ना आए इसीलिए दोस्तों इस बोर्ड के साथ में हम एक छोटा सा सर्किट बना करके लगा देंगे। फिर दोस्तों अगर आप डायरेक्ट मोड़ भी इन को टच करेंगे तो ट्रिप नहीं करेगी ना ही कहीं पर मैं आपको कौन कौन सी कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है ठीक है तो दोस्तों के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्यूज होल्डर और एक फ्यूज दोस्तों एक छोटा सा फ्यूज लगा रहता है मैं आपको दिखाता हूं इस तरह का ये छोटा सा ग्लास फ्यूज जो कि आपको मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की शॉप पर मात्र एक रुपये में मिल जाएगा मैं ये दोनों ही चीजें पांच रुपये में लेकर के आया हूँ और दोस्तों यहाँ पर मैं जितने भी कंपोनेंट उपयोग कर रहा हूँ वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे ठीक है अब इसके बाद में हमें चाहिए एक रेड कलर की एलईडी और इसके बाद में हमें चाहिए एक सैंतालीस किलोमीटर का रेजिस्टेंस तो दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस को एलईडी की कोई भी एक पिन के साथ में जोड़ लेंगे तो दोस्तों मैंने एल ई डी के पेन के साथ में रेजिस्टेंस को जोड़ लिया है अब जो एल ई डी की बची हुई पिन है यहाँ पर हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ देंगे तो दोस्तों मैंने एल ई डी के साथ में ये वायर का टुकड़ा जोड़ लिया है अब इसके बाद में दोस्तों इसे हम फ्यूज के साथ में जोड़ देंगे तो इस वायर को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और जो रेजिस्टेंस वाली पिन है इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे या दोस्तों आप इसे पलट करके भी जोड़ सकते हैं इस वायर को यहाँ पर जोड़ देना और जो रेजिस्टेंस वाली पिन है इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे ठीक है तो मैं जल्दी से सोल्ड कर लेता हूँ तो दोस्तों जो हमारा फ्यूज ब्रेकर इंडिकेटर सर्किट है वो बन करके कंप्लीट हो गया है अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे हम सीरीज बोर्ड में कहाँ पर लगाएंगे ठीक है तो मैं आपको पहले सर्किट डायग्राम में दिखा देता हूँ दोस्तों जो हमने लास्ट में ये बायर का टुकड़ा जोड़ा था जिसका एक छोर हमने टूबे स्विच की लास्ट वाली टर्मिनल के साथ में जोड़ा था जिसका दूसरा छोर हमने बल्ब होल्डर की टर्मिनल के साथ में जोड़ा था ठीक है तो इस वायर को हम हटा करके इसकी जगह पर फ्यूज को लगाएंगे यानी कि हमारी सर्किट को लगाएंगे तो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमने ग्रीन कलर का वायर का टुकड़ा जोड़ा था इसे हटा करके इसकी जगह पर हम सर्किट को लगा देंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर ये यह फ्यूज और फ्यूज के एक पिन के साथ में हम सैंतालीस किलोमीटर के रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और इसके एक पिन के साथ में हम एल की पिन के को जोड़ देंगे और जो एल की बची हुई पिन है इसे हम फ्यूज के इस साइड में यहाँ पर जोड़ देंगे ठीक है इस तरीके से दोस्तों जो हमने ये ग्रीन कलर का वायर का टुकड़ा लगाया है इसकी लंबाई पर्याप्त है तो इसे हम बीच में से काट लेंगे और इसके जो दो छोर रहेंगे उसी के साथ में हम फ्यूज को कनेक्ट करेंगे ठीक है तो एक वायर को हम यहाँ पर लगा देंगे और जो दूसरा वायर है इसे हम यहाँ पर लगा देंगे और दोस्तों इस बोर्ड में ऊपर की साइड में मैंने फ्यूज के माप के हिसाब से एक छिद किया है जिसमें हम फ्यूज के यहाँ पर इसमें फिक्स कर देंगे तो मैं जल्दी से इस फ्यूज को इस बोर्ड के साथ में लगा लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड के साथ में फ्यूज ब्रेकर इंडिकेटर जो हमारा सर्किट था उसे लगा दिया है और ऊपर की साइड में मैंने एलईडी के माप के हिसाब से एक छोटा सा छेद किया है जिसमें हम इस एलईडी को लगा देंगे ठीक है तो फाइनली दोस्तों जो हमारा सीरेज बोर्ड है वो बन करके कंप्लीट हो गया है तो इसमें मैं स्क्रू इस भी कस देता हूँ ठीक है दोस्तों जब ये स्विच ऊपर की साइड में रहेगा तो ये सीरीज मोड़ में काम करेगा आपको पता ही है और जब हम इस स्विच को नीचे की साइड में रखेंगे तो ये डायरेक्ट मोड़ में हो जाएगा और दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये डायरेक्ट मोड़ में है तो हमें इन वायरों को गलती से भी टच नहीं करना है नहीं तो एम ट्रिप कर जाएगी या कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है ठीक है लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमने फ्यूज ब्रेकर इंडिकेटर सर्किट लगा दिया है ठीक है तो मैं इन वायरों को टच करके दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों जो ये एल लगी है इस पर ध्यान देना ठीक है तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही मैंने वायरों को टच किया इसमें हल्की सी स्पार्किंग हुई और यहाँ पर जो एल है वो ग्लो करने लगी ठीक है इस तरीके से अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं होगा हम कितनी ही बार यहाँ पर ये यह वायर टच करेंगे लेकिन दोस्तों जो ये सोचे इसे हम ऊपर की साइड में कर देंगे तो इसका सीरीज वाला मोड़ काम करेगा ठीक है और नीचे की साइड में इसे करेंगे तो यहाँ पर एल से हमें पता लग रहा है कि इसका फ्यूज उड़ चुका है ठीक है तो मैं इसका फ्यूज चेंज कर देता हूँ दोस्तों जब भी आप इसका फ्यूज चेंज करें तो मैंने इसी सप्लाई का प्लग निकाल करके ही इसका फ्यूज चेंज करें ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका फ्यूज काला पड़ चुका है तो मैं इसमें दूसरा फ्यूज डाल देता हूँ अब दोस्तों मैं आपको ये कूलर की मोटर चला करके दिखाता हूँ तो दोस्तों मैंने इसे डायरेक्ट मोड़ में लगाया है मोटर फुल स्पीड में घूम रही है और जब हम इसे सीरीज मोड़ में कर देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाती है ठीक है और नीचे की साइड में डायरेक्ट मोड़ दोस्तों अगर ये मोटर शॉर्ट होती हम मान लेते हैं कि अगर ये मोटर शॉर्ट होती और इसे अगर हम डायरेक्ट मोड़ में लगा देती तो तुरंत ही इसका फ्यूज उड़ जाता और जो इसमें एल लगी हुई है वो ग्लिक करने लगेगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये मोटर शॉर्ट है तो इस तरीके से दोस्तों आप इस बोर्ड में कोई भी शॉर्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट मोड़ में भी चेक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो हमने ये फ्यूज यहाँ पर इस वायर के साथ में जोड़ा है इसे हम न्यूट्रल फेज जो एशियन इनपुट के बायर रहते हैं वहां पर भी तो जोड़ सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस फ्यूज को हम न्यूट्रल फेज जो एशियन इनपुट के बायर रहते हैं वहां पर भी जोड़ सकते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम होगी जब कभी भी ये फ्यूज उड़ जाएगा तो जो हमारा ये पूरा सर्किट है जो ये सीरज बोर्ड है वो काम नहीं करेगा जब तक कि हम इस फ्यूज को चेंज नहीं कर देंगे और कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है कि हमारे पास में फ्यूज नहीं रहता है इसीलिए दोस्तों मैंने इस फ्यूज को इस वायर के साथ में जोड़ रखा है क्या होगा जब कभी भी ये फ्यूज उड़ेगा तो हमारा डायरेक्ट वाला मोड़ काम नहीं करेगा और जो सीरज वाला मोड़ है वो काम करेगा तो शायद दोस्तों आप इस बात को समझ चुके होंगे और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त चलता हूँ आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में वीडियो के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद